नमस्कार, मेरा नाम सदा जरा देख रहे हैं एक न्यूज 24। इन दिनों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। उनकी यात्रा हाजीपुर में भी हुई, मोतिहारी में भी हुई, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। वो बिहार के अलग अलग जिलों में बिहार के जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और घूम रहे हैं और जनता का समर्थन ले रहे हैं और जनता का हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर हमारे विजुअल के माध्यम से देखिए किस तरीके से जनता का समर्थन है और जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग एक सुनहरा अवसर के लिए तेजस्वी यादव को वोट जरूर दें। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, अगले ही साल 2025 विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव एक महीने बचा है, एक महीने में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। तो जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और कह रहे हैं कि लोगों से एक सुनहरा अवसर दीजिए हमको युवा का भविष्य के लिए। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि जा रहे हैं जन विश्वास यात्रा में, उनका कहना है कि अगर युवा का अपने युवाओं का भविष्य बनाना है बेटा बेटी का, तो एक मौका तेजस्वी प्रसाद यादव को दीजिए। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में ही 5 लाख रोजगार दिया बिहार में। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। हम 17 महीने ही सत्ता में आए और 5 लाख रोजगार दिया। तो इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कल कहा कि वो लोग 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, हमने तो 94 लाख नौकरी की बात कही है, ये लोग क्या कहेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने ये भी कहा आगे कि बिहार की क्या स्थिति थी आप लोगों को पता है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज में क्या स्थिति थी बिहार की, सबने देखा है। ये लोग कुछ काम करते थे पहले, आज से 17 साल 18 साल पहले बिहार में सरकारी नौकरी कितना हुई थी और नीतीश कुमार के शासन काल में 7 लाख से अधिक नौकरियां हुई है। हम वो लोग कहते हैं कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे और हम तो कह दिए हैं कि 94 लाख से अधिक नौकरी देंगे। और इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पे हैं, बजट सत्र चल रहा है, एक महत्वपूर्ण सत्र चलने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष गायब है। वहीं इस संदर्भ में जीतन राम मांझी ने कहा था कि मेरे 44 साल के शासन में अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था कि बजट सत्र में या सत्र चल रहा हो तो नेता प्रतिपक्ष गायब हो। यानी जीतन राम मांझी भी हमलावर हुए थे तेजस्वी यादव के ऊपर। और इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, किस तरीके से उनकी समर्थकों का भीड़ उमड़ रहा है आप हमारे विजुअल के माध्यम से साफ तौर पर देखिए किस तरीके से उनका भीड़ उमड़ रहा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हम बनाएंगे। और इस तरीके का उन्होंने कहा है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी जन विश्वास यात्रा में पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत किया, एक एक करके मीडिया से बातचीत किया। तो उन्होंने कहा था कि चाचा बौखला गए हैं, चाचा के पास अब कुछ नहीं है, ना विजन है, ना उनके पास कुछ काम करने की योग्य रह गई, चाचा बूढ़ा। और उनका कहना था कि नीतीश कुमार कुछ काम कर रहे हैं, हमने 17 महीने में काम किया था। जब मैंने बात किया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं वर्तमान में, पूर्व मंत्री रहे हैं नीरज कुमार, ने कहा था कि आज से 17 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी, जंगल राज थे बिहार में, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से क्या नौकरी अलॉटमेंट होती है। तो यानी नीरज कुमार का भी साफ तौर पर आरोप था कि ये लोग इस तरीके के अफवाह उड़ा रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो नौकरी ये लोग कहाँ से देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, इन खबरों के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी बिंदु के साथ। मैं संजय पटना हूँ।